ये पीड़ा व्यक्तिगत है, आंकड़ा मैं नहीं कहना चाहता। हमें देखना है कि जो लोग गए वो जिंदा दस्तावेज छोड़ के गए हैं हमारे फेलियर का। ये कलेक्टिव फेलियर है 47 से लेकर अब तक की सारी सरकारों का। क्या बना दिया हमने? मुझे पता नहीं था कि अस्पताल और ऑक्सीजन का क्या रिश्ता होता है। सर, सुबह से लोगों को दिखता था ऑक्सीजन ऑक्सीजन। मैं किसी दल की ओर से आज नहीं बोल रहा हूं, मैं दावे के साथ कहता हूं, मैं लाखों लोगों की ओर से बोल रहा हूं जो यहां बोलना चाहते हैं। अब मेरी बात सुनिए, आज पूरे देश ने वो वक्त कैसे बिताया है, नाइटमेयर की तरह लगता है सर, डरावना लगता है। एक मेरा स्टूडेंट पढ़ा है वह 37 साल का, हॉस्पिटल का बेड जब तक मैंने अरेंज किया वो दुनिया छोड़ के जा चुका था। देश के लिए इससे बड़ी कोई और त्रासदी नहीं हो सकती जब केंद्र सरकार के नव नियुक्त स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया संसद में यह बयान दें कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की रिपोर्ट के मुताबिक कोरोना की दूसरी लहर के दौरान ऑक्सीजन की कमी से किसी भी मरीज की मौत नहीं हुई। यह देश के करोड़ों लोगों की आंखों में धूल झोंकने जैसा है, एक भयानक सच पर पर्दा डालने का क्रूर प्रयास है। राज्यसभा सांसद मनोज झा सरकार के इस बयान को बर्दाश्त नहीं कर पाए और जब वो इसका जवाब देने संसद में खड़े हुए तो ऑक्सीजन संकट के उस वक्त के दृश्य को याद कर कई बार उनका गला भराया। माफीनामा उन तमाम लोगों को जिनकी मौत को भी हम एक्नॉलेज नहीं कर रहे हैं। और कहता हूं कि ये भरोसा इस सदन का है कि हम सबको एक साझा माफीनामा उन लोगों के नाम भेजना चाहिए जिनकी लाशें गंगा में तैर रही थी। किसी ने कह दिया ये, किसी ने कह दिया वो। सर, दूसरी चीज, मैंने कई कल सेक्रेटरी जनरल साहब से ही बात करने की कोशिश की, बाकी जगह भी, किसी दो सत्र के बीच में सर 50 लोगों की ऑबिचुअरी आज तक कभी नहीं हुई संसदीय इतिहास में। राजीव सातव की उम्र थी जाने की इस दुनिया से। रघुनाथ महापात्रा जब मिलते थे गले लगाते थे, बोलते थे जय जगन्नाथ, अचानक में वो नहीं। ये पीड़ा व्यक्तिगत है, आंकड़ा मैं नहीं कहना चाहता हूं, मेरा आंकड़ा तुम्हारा आंकड़ा, अपनी पीड़ा में आंकड़ा ढूंढिए। एक व्यक्ति नहीं है इस देश में, इस सदन में, सदन के बाहर, उस सदन में जो ये कहे कि उसने किसी जानने वाले को ना खोया हो। सर, पीड़ा कह सकता हूं, ऑक्सीजन के लिए लोग फोन करते थे, हम अरेंज नहीं कर पाते थे। लोग समझते हैं सांसद है ऑक्सीजन पिछा देगा, 100 फोन में पूरे दिन में शाम को बैठ के देखते थे, सक्सेस रेट 2, सक्सेस रेट 3, हमको कौन सा आंकड़ा कोई बताएगा साहब? हमको नहीं किसी आंकड़े की बात नहीं करनी है, हमें देखना है कि जो लोग गए वो जिंदा दस्तावेज छोड़ के गए हैं हमारे फेलियर का। मैं आपकी बात नहीं कर रहा साहब, आप कहिएगा 70 साल में कुछ नहीं हुआ, मैं उसमें जाना ही नहीं चाहता। ये कलेक्टिव फेलियर है 47 से लेकर अब तक की सारी सरकारों का। क्या बना दिया हमने? मुझे पता नहीं था कि अस्पताल और ऑक्सीजन का क्या रिश्ता होता है। सर, ईमानदारी से कहता हूं, मैं मेडिकल बैकग्राउंड से नहीं आता हूं। सुबह से लोगों को दिखता था ऑक्सीजन ऑक्सीजन, रेमडेसिविर। मैं तो दवाइयों के नाम तक शुरू में सर प्रोनंसिएशन चेक किए कि कैसे उच्चारण करूंगा। ये हालत, और तब हम आंकड़ों की बात कर रहे हैं, तब हम ये बात कर रहे हैं थैंक यू फलाना साहब चिलाना साहब। सर, मैं यहां से निकलता हूं, बहुत बड़ा विज्ञापन लगा हुआ है, मुफ्त वैक्सीन, मुफ्त राशन, मुफ्त इलाज। सर, एक मिनट, मैंने किसी, नहीं, प्लीज प्लीज प्लीज, आई डोंट वांट माय टाइम। मैं किसी दल की ओर से आज नहीं बोल रहा हूं, मैं दावे के साथ कहता हूं, मैं लाखों लोगों की ओर से बोल रहा हूं जो यहां बोलना चाहते हैं। अब मेरी बात सुनिए, आज शिकायत नहीं कर रहा हूं आपसे, ये वेलफेयर स्टेट है ना, एक साबुन की टिकिया अगर कोई गरीब गांव में खरीद रहा है ना सर, तो अडानी अंबानी के बराबर का करदाता है। आप उसको कह रहे हो मुफ्त मुफ्त वैक्सीन, मुफ्त इलाज, मुफ्त राशन। नहीं साहब, कुछ मुफ्त नहीं है, उसका स्टेट है, इस वेलफेयर स्टेट का कमिटमेंट है, उसको आप डिनाइग्रेट मत करिए, डेमोनाइज मत करिए, उसे बौना मत बनाइए, ये आग्रह है मेरा। एक और अद्भुत चीज हुई इसी कोरोना के दौरान, माननीय उपसभापति महोदय, जब हाहाकार मचा हुआ था हॉस्पिटल के लिए, आईसीयू बेड्स के लिए, दवाइयों के लिए, यह हाहाकार जब मचा हुआ था उस दौर में सर,
कई चीजें हुई, जिसमें से एक जो महत्वपूर्ण चीज मैं जिसका जिक्र करूंगा, उस हाहाकार में सरकारें, मैं सिर्फ केंद्र को नहीं कह रहा हूं, कई राज्य सरकारें भी नदारद थी। वो डेढ़ महीना कैसे बिताया है इस मुल्क ने, हमारे सदन के कोई लोग बड़ी मुश्किल से बच के आए, हमें नाम नहीं लूंगा, पूरे देश ने वो वक्त कैसे बिताया है, नाइटमेयर की तरह लगता है सर, डरावना लगता है। एक मेरा स्टूडेंट पढ़ा है वह 37 साल का, हॉस्पिटल का बेड जब तक मैंने अरेंज किया वो दुनिया छोड़ के जा चुका था। मैं इसलिए बार बार इसको किए इसलिए सर इसलिए ये कह रहा हूं कि इसमें व्यक्तिगत पीड़ा को ढूंढिए, तब हम इसका निदान ढूंढ पाएंगे। मेरी नाव तुम्हारी नाव, मेरा काल तुम्हारा काल, ये तो बहुत कुछ हुआ इस भौकाल। सत्ता विमर्श ब्यूरो की रिपोर्ट।